Dear students, from today onwards we are going to start again your English grammar and this is the chapter articles 2. आज हम इस chapter को शुरू करते हैं जिसका नाम है articles. चलिए articles में हमें क्या पढ़ना है. Articles जो है वो तीन होते हैं, a, an और the. a, an और द. चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. एज यू नो द वर्ड्स ए एन एंड दी आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स डिटरमिनर्स भी होते हैं और ये नाउन को बताते हैं और हमेशा नाउन के पहले आते हैं. देखिए ये बात भी ध्यान रखने की है कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन इन सम वेज. किसी ना किसी तरीके से नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड सारे डिटरमिनर होते हैं. तो ये दिस दैट दीज दोज माई योर हिज आइदर नाइदर सम एनी मैनी वॉट वूज ये सब डिटरमिनर्स हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की. तो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो दो होते हैं, ए एंड एन. ये इनडेफिनेट आर्टिकल है. और जो टी एच ई द भी कहते हैं और दी भी कहते हैं ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल तो दो हो गए, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है. नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स. अ बॉय अ गर्ल अ फैन एन एंकर एन आइलैंड. तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए. चलिए हम यूज ऑफ एन की बात करते हैं. ए हमेशा ऐसे नाउन के पहले यूज होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. जो कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स नॉट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. उसके आगे नाउन के आगे ए का यूज होता है. एन इज यूज बिफोर नाउन दैट बिगिन विथ ए वोवेल साउंड. वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन्स के पहले एन का यूज होता है. अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट जैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं भले ही वो वोवेल से शुरू होते हैं. जैसे यू ओ ई. अब कैसे, यू जैसे यूनिवर्सिटी में, वन ओ में वन, ई यूरोपियन. लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी, वन और यूरोपियन इन सब में य हिंदी का य या हिंदी का व का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नाउन्स में आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे भले ही ये वोवेल से शुरू हो रहे हैं, यू ओ और ई से. नेक्स्ट, देर आर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं बट उनका साउंड कॉन्सोनेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो साइलेंट होता है. जैसे ऑनेस्ट, ऑनर, आवर. ऐसे केसेस में हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं. तो ऑनेस्ट में अ की ध्वनि है, ऑनर में अ की ध्वनि है, आवा में भी अ की ध्वनि है. तो ऐसे में हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से बट प्रोनाउंस्ड विद ए वोवेल साउंड, लेकिन वो प्रोनाउंस्ड होते हैं वोवेल साउंड की तरह. जैसे कुछ एब्रीविएशंस हैं, एम ए, एल पी जी, एम एल ए, एम एस सी. तो ये जो है इनका प्रोनाउंसिएशन हमारे वोवेल साउंड ए से हो रहा है, इस वजह से इनमें हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं. चलिए लेट्स प्रैक्टिस. फिल इन द ब्लैंक विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स, पुट क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड. हमें ए, एन या क्रॉस का यूज़ करना है. चलिए फिलअप करते हैं हम. आई बॉट अ बुक एंड एन इरेजर एंड ए फाइल फ्रॉम अ शॉप. देखिए इसमें तो इरेजर ई जो है हमारा कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन लगा. चलिए नेक्स्ट. काली जय इज ए स्मॉल आइलैंड इन लेक चाइला, लेक चिल्का. तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा क्योंकि इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है.
मीना कोट अ बैड कोल्ड, मीना को बहुत ठंड लग गई लास्ट नाइट, तो यहाँ पे ए आ गया। इट्स पीटी, पीटी के पहले, क्योंकि ये एडजेक्टिव इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इट्स अ पीटी दैट दिस ईयर रूना फेल्ड टू गेट अ प्राइज इन एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है स्पीच, कि इस साल रूना जो है वो स्पीच में प्राइज लेने में फेल हो गए, असफल हो गए। नेक्स्ट, प्लीज ऑब्टेन अ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ काउंसलर और एन एमएलए और एन एमपी। तो देखिए एमएलए और एमपी में क्या भरेंगे हम, एन, और इसमें भी एन, ठीक है ना, यहाँ पे तो ए ए आ गया। चलिए, माय अंकल वो टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी, देख लीजिए भले ये यू से शुरू हो रहा मगर इसका उच्चारण यह है इस वजह से अ यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑनेस्ट में आपका एच भले ही हो मगर इसका प्रोनाउंसिएशन अ की तरह है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। फिर यहाँ प्लूरल के साथ में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए स्कूल रूल्स मस्ट बी फॉलोड क्रॉस लगाएंगे। फिर एग्ज़ाम्स, ये भी प्लूरल है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाएंगे। एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बिगिन अ वीक आफ्टर, एक वीक के बाद में शुरू हो रहे हैं स्कूल रीओपन होने के एक वीक के बाद में। चलिए, गुड डिक्शनरी, अ गुड डिक्शनरी इज अ मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब बहुत नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ किसी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इनके पहले किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए, नोट, वी डू नॉट यूज़ ए एंड एन, ए एन का यूज़ हम नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले किसी तरह का कोई भी आर्टिकल ए एन यूज़ नहीं करते हैं। और बिफोर एन एडजेक्टिव, किसी भी विशेषण के पहले इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, अगर उसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा हो, तो जैसे शी इज़, यहाँ लिखा हुआ है जी डबल ओ डी, गुड, तो ये एडजेक्टिव है लेकिन इसके बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। क्लियर, तो ये आपका आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ।